सो यो बड़ी क्या आप सभी का, और गाइज मैं आप सभी लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि गाइज आप लोगों को कस्टम कार्ड कैसे बनाना है। एंड गाइज मैं आप लोगों को ना इस वीडियो में एकदम स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि कस्टम कार्ड किस तरह बनाया जाता है। एंड गाइज अगर आप लोगों को कस्टम कार्ड बनाने नहीं आते तो गाइज आपको सिंपली क्या करना है, मेरे लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, उसके बाद ही आप लोगों को मालूम चलेगा कि आखिर कस्टम कार्ड कैसे बनता है। और गाइज आप लोग ये वीडियो देख लोगे ना तो गाइज आप लोग जो इजिली भाई मतलब आंख मूंद के आप लोग यहाँ पे कस्टम कार्ड को बना पाओगे। और गाइज आप लोगों का कस्टम कार्ड का कोई मतलब बुराई नहीं कर सकता, ठीक है। गाइज बहुत सारे बंदे कस्टम कार्ड बनाने आता है लेकिन गाइज वो क्या करते हैं, राउंड राउंड यहाँ पे अनलिमिटेड एमओ बहुत कुछ गलती कर देता है, जिससे क्या होता है गाइज कस्टम कार्ड तो बन जाता है लेकिन गाइज कस्टम कार्ड जो होता है गाइज वो बर्बाद हो जाता है, वो कोई लाइक नहीं रहता है। और गाइज आप लोगों को मालूम होगा एक कस्टम कार्ड सिर्फ हफ्ते में एक बार ही मिलता है। तो गाइज मैं आप लोगों को इस वीडियो में सिखा दूंगा कि किस तरह कस्टम कार्ड को बनाना है जिससे आप लोगों को अच्छे से बनाने आएगा, तो गाइज आप लोगों का कस्टम कार्ड बर्बाद नहीं होगा, आप लोग कस्टम कार्ड को इजीली एंजॉय कर पाओगे। और गाइज अगर आप लोगों को कस्टम कार्ड बनाने आता है तो गाइज आप लोग बहुत लकी हो जो कि आप लोगों का कस्टम कार्ड बर्बाद नहीं होता है। लेकिन गाइज बहुत सारे ऐसा बंदा है जिसको कस्टम कार्ड बनाने नहीं आता है और गाइज उसका कस्टम बर्बाद हो जाता है, इसके लिए ये वीडियो है। तो गाइज अगर आप लोगों को बनाने आता है तो गाइज आपको सिंपली क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना और गाइज ये वीडियो को अपने फ्रेंडों के साथ जरूर शेयर करना। तो गाइज चलो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि किस तरह आप लोगों को कस्टम कार्ड को बनाना है, कैसे सेटिंग रखना है। और गाइज ये न्यू अपडेट के बाद हमेशा चेंज होते रहता है, तो गाइज मैं आप लोगों को इस वीडियो में हर सेटिंग को बता दूंगा, ठीक है। तो गाइज चलो इसी के साथ चलो मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। शुरू करने से पहले अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो मेरे वीडियो को फटाफट लाइक कर देना, और मेरे चैनल पर नहीं आए तो गाइज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड गाइज साथ में बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। तो गाइज चलो मैं यहाँ पे क्विक ज्वाइन करता हूँ। तो गाइज यहाँ पे कोई कस्टम कार्ड अभी खाली नहीं था इसलिए ज्वाइन हुआ, लेकिन गाइज मैं बहुत सारे बंदे को गलती देखता हूँ, गाइज यहाँ पे कस्टम तो बना लेता है लेकिन गाइज उसका सेटिंग नहीं कर पाता है, ठीक है। तो गाइज चलो मैं आप लोगों को इसी वीडियो में ना आपको बताने वाला हूँ कौन सा सेटिंग रखना है जो कि आपके लिए बहुत ही बेस्ट होने वाला है, ठीक है। आप लोग जो है एक प्रो की तरह कस्टम कार्ड को बना पाओगे। तो गाइज कस्टम बनाने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों के पास कस्टम कार्ड होना चाहिए। एंड गाइज जैसे अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो गाइज मेरे पास अभी 35 कस्टम कार्ड पड़ा हुआ है, गाइज आप लोग यहाँ पे देख लो। और गाइज आप लोगों को मालूम होगा ये कस्टम कार्ड ना हफ्ते में आप लोगों को एक ही बार मिलता है, वो भी गिल्ड से मिलता है। फ्राइडे को दिन आप लोगों को ग्लोरी कंप्लीट करना पड़ता है, फिर आप लोगों को सैटरडे के दिन क्या होता है गाइज ये कस्टम कार्ड मिलता है, ठीक है। तो गाइज अगर आप लोगों के पास है तो किस तरह बनाना है चलो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो गाइज जैसे अगर आप लोग यहाँ पे आओगे और गाइज क्रिएट पे क्लिक करोगे तो गाइज आप लोग यहाँ पे चले आओगे। तो गाइज जैसे अगर आप लोग यहाँ पे आके देखोगे तो गाइज यहाँ पे क्या है, एक नाम है। तो गाइज आप लोग जो भी कस्टम कार्ड का नाम रखना चाहते हो गाइज आप लोग यहाँ पे वो नाम रख सकते हो। फिर गाइज आपको यहाँ पे पासवर्ड तो लगाना ही है, अगर आप लोग यहाँ पे पासवर्ड नहीं डालते हो ना गाइज, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख लो पासवर्ड डालने के लिए बोल रहा है, यानी कि अगर आप लोग यहाँ पे पासवर्ड नहीं डालोगे तो भाई आप लोगों का कस्टम में बहुत सारे बंदे अपने आप फुल हो जाएगा, ठीक है। और गाइज यहाँ पे दूसरा होता है गेम मोड, मतलब गाइज यहाँ पे गेम मोड मतलब आप लोग क्या खेलना चाहते हो, फुल मैप खेलना चाहते हो या आप लोग क्लासिक खेलना, गाइज आप लोगों को यहाँ पे मालूम चलता है। जैसे आप लोग यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे पूरी फुल मैप रस और आप लोगों को जितना मोड होता है ना इस गेम के अंदर वो आप लोगों को देखने के लिए मिल जाता है। लेकिन गाइज ज्यादातर यहाँ पे क्लास स्क्वाड में ही कस्टम होता है, 4v4, 6v6 यही होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्लास स्क्वाड खेलना है तो क्लास स्क्वाड भी रखना है, बाकी यहाँ पे मैप होता है आप लोग कौन सी मैप में खेलना चाहते हो तो भाई आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर गाइज आपको यहाँ पे स्क्वाड गाइज जैसे कि देख लो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, गाइज अगर आप लोग जैसे देखोगे अगर आप लोग सोलो सोलो खेलना चाहते हो तो आप यहाँ पे एक रख सकते हो, अगर डुओ खेलना चाहते हो तो डुओ रख सकते हो, या स्क्वाड मतलब चार बंदे के साथ खेल सकते हो तो यहाँ पे चार बंदे रख लेना। अगर आप लोग छह बंदे के साथ खेलना चाहते हो तो गाइज आप लोग यहाँ पे छह रख के उसके साथ खेल सकते हो। जैसे अगर आप लोग यहाँ पे क्लिक करोगे तो गाइज आप लोगों का जो कस्टम क्या होगा, छह बंदे का स्लॉट आ जाएगा और गाइज आप लोग जो छह भी छह कर सकते हो, ठीक है। तो गाइज आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा और गाइज आप लोग पासवर्ड लगा लेना, ठीक है। उसको जैसे गेम पे आओगे तो गाइज मेन जो सेटिंग होता है ना गाइज यही पे होता है, ठीक है। गाइज वीडियो को देखते रहना ध्यान से कैसे सेटिंग होता है। तो भाई सबसे पहले क्या करना है, जैसे कि अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे ना तो गाइज यहाँ पे कुछ स्टोर दिया गया है, रेंडम स्टोर, कंपेटिटिव स्टोर, क्रेजी स्टोर, यहाँ पे हार्डकोर मोड का ये क्या होता है, ये स्टोर है, ठीक है, ये सब स्टोर है। तो मैं आपको बता दूं गाइज आप लोगों को कौन सा स्टोर रखना है, तो गाइज आपको ये वाला स्टोर को रखना है, ठीक है, ये वाला स्टोर को आपको रखना है। बाकी दूसरा स्टोर को आपको क्या करना है गाइज, नहीं रखना है, ठीक है। यही स्टोर सबसे बेस्ट है, एंड गाइज जितना भी स्टोर यूज होता है गाइज यही होता है, कंपेटिटिव वाला होता है, तो इसको आपको रख लेना है स्टोर पे, ठीक है। तो गाइज क्या करना है आपको, सिंपली क्या करना है गाइज, आपको यहाँ पे स्टोर पे क्लिक करना है, बाकी आपको यहाँ पे नीचे सेटिंग करना है, ठीक है। तो गाइज आपको स्टोर ये चूज करना है, फिर आपको सबसे पहले राउंड कितना करना है, 13 राउंड करना है। आप लोगों को ज्यादा राउंड खेल लेना, 7v7 होता है ना, तो गाइज आपको 13 राउंड करना है। फिर आपको यहाँ पे डिफॉल्ट पॉइंट 1500 करना है, नहीं तो अगर गाइज अगर आप लोग कम कर दोगे तो फिर आप लोग गन वाल वाल नहीं ले पाओगे, तो गाइज इसको 1500 करना है। फिर आपको एचपी नॉर्मल रहने देना है, बाकी सब कुछ नॉर्मल रहेगा। और गाइज आपको यहाँ पे कुछ मैं दिखा दूंगा, यहाँ पे मेन सेटिंग होता है, ठीक है गाइज। तो गाइज जैसे अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे बहुत सेटिंग है, ठीक है, तो जो कि मैं आपको बताता हूँ ये सेटिंग क्या है।
तो गाइज जैसे कि देख लो यहाँ पे क्या है गाइज, आपको सबसे पहले यहाँ पे लिमिट एमओ है ना गाइज, इसको क्या करना है आपको यहाँ पे नो पे टिक करना है, ठीक है, आपको नो कर लेना है, जिससे क्या होगा गाइज आप लोगों का जो अंदर जाते हो ना गाइज अनलिमिटेड वॉल लगाते हो वो अनलिमिटेड लगेगा गाइज, जिससे कि मैं आपको बताता हूँ आपको नो पे क्लिक करना है। फिर गाइज आपको एक और चीज़ यहाँ पे सेटिंग करना है गाइज, वो क्या है तो गाइज जो भी मैं आपको दिखाई देता हूँ गाइज, यहाँ पे आता है कैरेक्टर स्किल गाइज, देख लो यहाँ पे ये है कैरेक्टर स्किल। तो गाइज अगर आप लोग चाहते हो कि कोई भी बंदा के पास कैरेक्टर स्किल नहीं रहे तो गाइज उसको नो पे क्लिक करना है, जिससे क्या होगा जो बंदे के पास कोई स्किल नहीं हुआ तो आपको नो पे क्लिक करना है। अगर आप लोग स्किल रखना चाहते हो तो गाइज आपको येस पे क्लिक करना है, जिससे क्या होगा गाइज बंदे लोग जाके कोरोनो लगा सकता है, स्कैलर मार सकता है। अगर नो कर दोगे तो गाइज उसके पास कुछ भी नहीं रहेगा, नहीं कोरोनो रहेगा, नहीं स्कैलर रहेगा, ठीक है गाइज आपको यही सेटिंग करना है। बाकी पे बहुत सेटिंग है लेकिन ये सेटिंग को कोई यूज नहीं करता है। और गाइस अगर आप लोग चाहते हो कि भाई गन का जो मतलब प्रॉपर्टीज रहता है गाइस, मतलब मान लो कि किसी के पास M10 है, ठीक है, तो गाइस जैसे कि ईवो M10 है तो उसके पास स्किल रहता है कि भाई इसमें डबल डैमेज है। अगर आप लोग चाहते हो कि भाई वो गन का कोई डैमेज नहीं रहे, एकदम नॉर्मल हो जाए, एकदम सादा सिंपल, तो गाइस ये गन का जो प्रॉपर्टी होता है ना गाइस, इसको आपको क्या करना है, नो पे क्लिक कर देना है गाइस। अगर आप लोग के पास अच्छा गन का स्किल नहीं रहता गाइस, इसको नो पे क्लिक कर देना। बाकी आप लोग जाए गेम को खेलना, उस पर क्या करना है ऑब्जर्व में गाइस आपको ये सब नॉर्मल रहेगा, बाकी एडवांस को छोड़ देना भाई, एडवांस का कोई जरूरत नहीं है गाइस। यहां पे आके गन का प्राइस वाइज कम कर सकते हो, तो गाइस इसको छोड़ देना, इसका कोई जरूरत नहीं है। बाकी आपको यहां पे क्या करना है गाइस, आपको कंफर्म पे क्लिक कर देना है। एंड गाइस जैसे करोगे तो भाई आप लोगों का कस्टम कार्ड बन जाएगा गाइस। मैं अभी क्यों नहीं बना रहा हूं गाइस, मैं बता दूं गाइस अभी मेरे को कस्टम नहीं खेलना, इसलिए मैं आपको सेटिंग बता दिया। उसके बाद आपको सिंपली ये सब सेटिंग करने के बाद क्या करना है गाइस, आपको सिंपली कंफर्म पे क्लिक करना है, आपका कस्टम बन जाएगा। और गाइस आप लोग इसको इसके अंदर कोई भी बंदा को इनवाइट करके इजीली उसके साथ खेल सकते हो, ठीक है गाइस। मैंने आप लोगों को सेटिंग बता दिया आपको कौन कौन सा सेटिंग रखना है, जो कि आप लोग यहाँ पे स्क्रीन शॉट भी लेके आप लोग इस तरह का सेटिंग रख सकते हो, ठीक है। तो गाइस होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो मेरे वीडियो को अपने फेलो के साथ जरूर शेयर करना है। एंड गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय।